आप कहाँ से आए हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ। कितने दिन पहले इसके आए थे आप? मैं जुलाई से आ रहा हूँ, शायद चौथा या पांचवा मेरा राउंड है। पांचवा राउंड? हाँ। तो भूत प्रेत को से किसको परेशानी थी? भूत प्रेत से मेरी बहू को परेशानी थी। किसको? जी हाँ। क्या दिक्कत होता था मैडम? मुझे चक्कर आने लगते थे, बैठे बैठे सर भारी सा होने लगता था, पता नहीं होता था कहाँ गिर गया कहाँ नहीं गिर गया, कुछ पता नहीं रहता था। फिर मैंने भूत प्रेत को हाजिर कराकर बातचीत भी किया, वो वीडियो आपके पास है, वो भी वीडियो लेके इस वीडियो के साथ हम डाल देंगे। कितने दिन से आप परेशान थी? मतलब लगभग कितना? तीन महीने से आप परेशान थी। तो कितना डॉक्टरों को दिया, भाभी बाबाओं के ऊपर कुछ खर्चा किया या नहीं? भाभी बाबाओं के ऊपर 1,00,000 रुपया करीब मैंने 3 महीने में भरवा, 3 महीने में 1,00,000 रुपया भाभी बाबाओं को दिया। आपके घर में टोटल सबके भूत प्रेत कितने निकले होंगे? टोटल करीब 20-22 के आसपास तो निकले। कितने को जब चेक होता है तो बोलते हैं अरे 20-22 भूत है, वो भाग खड़े होते हैं, तो उनको हम रोकते भी नहीं, कहते हैं हाँ आपकी मर्जी, आप भूतों को मरवा के मुक्त होना चाहते हो नहीं चाहते हो ये आपकी मर्जी है। क्या करते हैं आप? मैं सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था। ये क्या होता है? ये नाम के आप जैसे हेड क्लर्क होता है? नहीं नहीं, विधानसभा कचहरी कोर्ट कहाँ पे? मैं नाम के विधानसभा में था। अच्छा, विधानसभा जी। पढ़े लिखे हैं जी? कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भूत प्रेत अनपढ़ों को पकड़ता है, आप लोग अनपढ़ नहीं हैं। अनपढ़ नहीं, सब आप भी पढ़े लिखे हैं, सब ग्रेजुएट हैं। तो ये आपकी कौन है मैडम? बहू है। तो अब ये फिर कभी चक्कर वक्कर उसको आया? नहीं आया, बिल्कुल ठीक है ना। कभी आएगा कोई अगर भूत प्रेत अब आप लोगों के ऊपर ना करे, ना करवाए, करके ना खिलाए, तो कभी भी ये परेशान नहीं होगी। उल्टी में आपको क्या निकला था मैडम? निकला जो भी करके खिला देते हैं वो निकलता है, यहाँ जड़ी बूटी मिलती है वो भी 250 रुपये का, एक भूत मरवाएंगे वो भी 250 रुपये का। तो ये देखा नहीं कि इतने भूत निकल रहे तो इतना रुपया लग जाएगा मेरा, आप पीछे भाग नहीं खड़े हुए? जो कहना है हिसाब जोड़ा तो जो खर्च कर दिया उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं था। ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। सही बात। 3 महीने से परेशान रहे, घर में कोई खाना नहीं खाया, सब रोते पीटे थे, रात में कोई सोता नहीं था, समझे, और इधर भागते भागते सब हाथ पैर टूट गए, समझे, शरीर दर्द कर गया, कमर दर्द कर गई। पिथवा से आगे देखा, रात में 2:30 बजे मैंने देखा था, और तुरंत बैठ के मैंने पेन से सब उतारा आपका, और दूसरे दिन मैंने आपको फोन किया। फिर किसको आपने फोन किया? फिर एक 5-6 साल पहले कानपुर से आए थे कोई साहबान, वो वहाँ सचिवालय केंद्रीय सचिवालय में वित्त मंत्री के पीए हैं। हाँ सही। तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने लड़की को परेशानी थी। जी जी, लड़की को परेशानी थी, वो 6 साल से परेशान थी, 30,000 रुपया भी उन्होंने खर्च किया। अभी वो सब सही हो गए, दामाद भी सही, सब सही हो गया। हम चाहेंगे कि सब जितनी दुनिया के आदमी है सब ठीक हो जाए, हमारी ये चाहत है। हमारे यहाँ कोई VIP कोटा नहीं है, देखे हो ना बाहर जज साहब हैं, हैं हैं खड़े हैं, लाइन आएगा, नंबर आएगा तभी देखेंगे जी। आप कहाँ से आए हैं? सऊदी अरबिया से। कुछ आने से फायदा हुआ आपको? जी फायदा तो अभी हुआ है जरूर होगा। ठीक, तो जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कितने लिखते हैं कि बाबा 420 है, फर्जी है वगैरह वगैरह? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, जब पढ़ती है तब आदमी जो भेज, आप उसको ना करें, नहीं तो हम आपको एकदम सीधे ले लेंगे पॉइंट पे। यहाँ वीडियो बनाने से अगर कोई रोकता है हमें तो हम उसको बाहर कह देते हैं चले जाओ, क्योंकि आप भी किसी का वीडियो देख के ही आए, उनकी भी इज्जत है। ठीक है? हाँ, वीडियो बनाने से हमें कोई भी रोकेगा हम उसका काम ही नहीं करेंगे। क्यों करें भाई? फायदा नहीं होता मैं क्यों हर हफ्ते चक्कर लगाता? जो जो फायदा होता जा रहा है तो मैं अपने हर मेंबर को लेकर चला आता हूँ। अब इस लड़की को मैं बरेली से लेके आया। ये बरेली से आई है? जी बरेली से लेके। बताइए, अच्छी खासी है? नहीं होगा, भूत प्रेत है जो वो मारे जाएंगे, अपने आप तुरंत हो जाएगा, ऐसा भी हमने वीडियो बैठी है लगती है, दम करके जो यहाँ पानी मिलता है ले जाओ, ये जब तक पृथ्वी तब तक काम आएगा। और लोग भाभी बाबा हर हफ्ते पैसा लेते हैं पानी देने का, यहाँ एक बार मिल गया जीवन भर चलेगा, जितना पियो उसमें पानी मिला दो। और जो काम भूत प्रेत नहीं आने देते हैं, आदमी तो आना चाहता है मगर उसके ऊपर भूत प्रेत है, वो कहते हैं कहाँ भाभी बाबा के चक्कर में पड़ रहे हैं। अच्छी खासी लगी हुई छोड़, एक्सीडेंट कोई बात नहीं, जब भूत प्रेत मारे जाएंगे तो ये भी सही हो जाएगा और अच्छी खासी नौकरी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं।
तो भूत प्रेत आपको आने में बहुत बाधाएं डालेंगे। इससे पहले जब हम लोग आना चाह रहे थे, एक दिन पहले इतना बीमार पड़े, इतना बीमार कि हम भी दो दो सुई लगवा के तब यहाँ पर, तब यहाँ पर तब आई। और इतना चक्कर है कि हम लोग भी ग्लूकोज सब रास्ते पर पीते हुए आए यहाँ पर, बस किसी तरह पहुँचना है। पहुँचना है, पहुँचने के बाद काया पलट गए। लौटते समय आप भी पढ़ी लिखी है कुछ? कितना बारह चौदह कितना चौदह चलिए ठीक है, सदा ठीक रहे आप। बढ़ाओ इधर मैडम जरा सा, जल्दी से फास्ट बाल इधर करो जल्दी तुरंत। अरे बैग का ये देखो इधर बढ़ाओ, क्या भाग चिता पे भाग खा ले चिता पे जल्दी तुरंत। अबे छोड़ दो गधो, छोड़ दो ना, पागल हो तो छोड़ दो ना सही, पागल है। एक को बोलते हैं सब पे यही बात लागू होती है, समझते नहीं। मिट्टी आगे बढ़ाओ मैडम जी, छह नींबू उसमें से देना मैडम। मुरादाबाद के पास
कैसे मर गए थे? नाम कैसे मर गए थे? दो क्या नाम है तुम्हारा? नाम इसको क्या बनाया? बहन, बीवी, लड़की, क्या बनाया? क्या नाम है तुम्हारा? मौत चाहिए तुमको? ऊपर जाना चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? नाम 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 बताओ है? ये यही बोल रही है, ठीक है? ये आत्मा नाम बता रही है, यानी आगे नहीं होगा। पट्टी खोलो आप। मैं सर भारी हुआ था आपको? फिर हल्का हुआ या उतना ही था? हल्का हो गया, कोई बात नहीं, मैं मार देता हूँ सारे। कितने मारने हैं इसके? सिर्फ दूसरी देख लें, आठ है। अब आप मेरी तरफ देख लें, पाँच के कारण दोनों हाथ पकड़ लो। उल्टी में क्या निकला था? उल्टी में रेटिंग बदला हुआ था। ठीक, मेरी तरफ देखो। मारने जा रहा हूं, आपको कोई आपत्ति है? क्या भूतों से आपको परेशानी होती है? कोई परेशानी नहीं। तो आपका ससुर फालतू पैसा ठोक रहा है? उसके बाद भी पैसा ठोक रहा है तुम्हारा ससुर? ज्यादा है क्या उसके बाद? फिर कोई परेशानी आपको है ही नहीं? उल्टी में क्या निकलेगा? मेरी बात नहीं, उल्टी में बोला था ना क्या निकलेगा? बोलता है बेटा, बोलता है, सबको बोलता है। हमारे मिलने वाले ना? हाँ जी, हमारे मिलने वाले। जिसने पकड़वाया वो औरत है या आदमी? औरत। वो जिंदा है या मर गई? जिंदा है। इसकी कौन है वो? इस लड़की की कौन है? सच बोलना, जो भी बोलना। इसकी कौन है वो? इसकी बुआ लगती है। इसे उसकी क्या दुश्मनी थी? ऐसा किया क्यों? क्या दुश्मनी थी? इससे दुश्मनी नहीं थी, इसके 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 परिवार से दुश्मनी थी। इसके माँ बाप से दुश्मनी थी? हाँ, सास ससुर से। सास ससुर से दुश्मनी थी। क्या दुश्मनी थी? क्या दुश्मनी थी? और जलन हो गया। अब बात करो, आप भूतों से बातचीत करो। हाँ, और नाम बताओ उसका, जिसने भेजा नाम बता। अमृत सर। नाम बता तेरी भतीजी है। नाम बता है? जल्दी नाम बताओ। रश्मि। नाम बता दे। रश्मि नाम बता दिया। कितने साल पहले उसने किया? जलन तो बहुत टाइम से है, जब से इन लोगों ने उसे घर से भगाया है। अच्छा, इन लोगों ने, यानी आप लोगों ने उसको घर से भगाया?
क्योंकि उसने झूठा इल्जाम लगाया था इनके लड़के पे। कितने दिन से तुम लोग ये इसके ऊपर आए हो भूत प्रेत, ये बताओ। हाँ मुद्दे पे आते हैं सीधे तुम लोग। हाँ कितने साल से? जब से इस लड़की की शादी की बात तय हुई है तब से वो नजर बढ़ाई थी कि इसके ऊपर कुछ कराना है। कितने साल पहले शादी हुई? कितने साल थे तुम लोगों? मुझे क्या मालूम कब तय है। छठी साल चल रही है। सही है चल। अच्छा इसके पहले भी इसके ऊपर भूत प्रेत थे, वो कहाँ गए? मैंने मारा तो मरे या है तुम लोग यहाँ? कितने थे वो? कितने थे वो? थे बहुत। एक तो इसकी बहन थी, बहन। अच्छा इसकी सगी बहन एक थी, अकाल मौत मरी। वो तो ज्यादातर भूत प्रेत जो है गरही के होते हैं। और कौन था? और उसके आस पास के थे, जिसे हम लोग फ्रेंड बना लेते हैं ना, वो एक ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो वो आपने अपनी बहन को भी भूतों के साथ मुक्ति दिला दिया, ये आपने बहुत बड़ा उसके ऊपर उपकार किया। भूतों को यानी अपनी बहन को आपने मुक्ति दिला दी। हाँ बोलो। अरे यार आज का ही मान लो कितने का, एक आदमी का कितना है? आठ। क्या बात करो यार, तुम लोग कुछ काम की बात करो। तो तुम लड़के को कामयाब नहीं होने दे रही, कोई भी काम करता है होने दे रही है कि ये दे रही है या कोई और भी है? पूछो इससे डायरेक्ट बात। नहीं होने दे रही है, कोई नहीं होने दे रही, वो नहीं होने दे रही। इनका परिवार आगे बढ़े, उस लड़का इसका कुछ आगे बढ़े, काम करे, उसके हर काम में रोक लगा रही है। उसको पता चल जाता है इसके लड़का अभी कुछ करने वाला है, तुरंत काट देती है। वो खुद करती है या किसी से करवाती है? करवाती है। और ये काम उसके बाप और उसकी माँ को भी नहीं पता, ये करती है, वो अकेले करती है। और उसने इनके तीनों भाई को भी बर्बाद कर दिया है। ये अंदर के भूतों से बात कर रहे हैं? बाहर वाले से बात कर रहे हैं। दवाई खा के आई है? अभी दवाई खा के आई है ना? एक पुड़िया रहेगी। तुम अंदर वाले से बात कर, अंदर वाले से बात कर रहे हैं। हम अंदर वाले से बात कर रहे हैं। किस चीज में उल्टी में निकला? इसको उल्टी में क्या निकला था? दो दिन तो खाली तो मेरी मां थोड़ी देर बाद उल्टी हो गई। आप जो आज जो कल खाई वो दवा अंदर की नहीं था। किस चीज में करके खिलाया गया था, वो निकला या नहीं निकला? इसको खिला नहीं पाई वो। इसका इसकी इसकी बहन, उस लड़की की बहन ने इससे फोन नंबर लिया था और उस लड़की ने उसकी बहन से तोहफे से नंबर ले लिया। बस खिला तो कभी नहीं पाई वो या किसी ने इसको करके खिलाया था या नहीं? क्योंकि यहाँ पर चेक करने वाला बताया कि ये निकलेगा। क्या निकलेगा, क्या बोला था? सब्जी पानी। सब्जी और पानी निकलेगा, तो क्या वो सही था या वो चेक करने वाला यहाँ का फर्जी? नहीं, उसकी उसकी छोटी बहन इसके भाई के घर आई थी, उसने वहाँ पानी पिया था, वो अपने यहाँ से इसको पानी पिलाया था, उस पानी में उसने हाथ लगा दिया था। मतलब वो चेक करने वाला, अब इससे बातों से लगता है कि जो चेक करके बताता है वो सही है। ये खुली किताब है, यहाँ यहाँ पर्दी पड़ता नहीं, हम लोग सांस ले रहे हैं ना, वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। देखो आपके ऊपर भी कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पे वो जैसे बहुत से भाभी बाबा जेल जा रहे हैं ना, यहाँ वैसा कोई काम नहीं होता है। यहाँ खुली किताब है, सबके सामने जो भी होता है। चलो और कुछ बातचीत करना, फिर इनको भी डीएन करें तुरंत। जैसे नाम लिया इसका तो मन छोटे भाई की यंग है, तो ऐसे वो रोन रोन करती रहेगी, खींचती रहेगी। आज क्या नाम है उसका करने वाली जो तुमको इसके ऊपर भूत भेजा, उसका क्या नाम है? लक्ष्मी। रश्मि। ठीक है जा, रश्मि को भेज हमारे पास। बोल बाबा जी तुझे बुला रहे हैं, जल्दी तुरंत चल। अच्छा मेरी इच्छा पूरी कर देंगे आपकी? पहले मेरा काम कर, फिर बाद में तू इच्छा की बात कर। पहले जा उसको लेके आ तुरंत, पहले उसको बोल बाबा जी का आदेश है, चल तुझे बुला रहे हैं बाबा जी, जल्दी उसको लेके आ। वो खुद करती है ना, किसी से करवाती है तब नहीं आ सकती। अगर वो खुद करती तो वो आ सकती थी, नहीं आ सकती। बोल तेरी इच्छा क्या है, बोल। मेरी बस एक आखिरी इच्छा है, एक तो
एक्सीडेंट के कितनी देर बाद तू मर गया था? दो दिन के बाद अस्पताल में। हाँ। ठीक है, चल अब मैं तुझे मुक्ति दिला देता हूँ। मिलने वाली लड़की को ये इसका क्या होगा? टिकट दे देगी? उसको तो मरवा दो, मुझे इंतजाम कराया। इधर देख मेरी तरफ। इधर देख। चल जा चिता पे जल्दी तुरंत भाग जा जल्दी तुरंत। कितने साले कमेंट करते हैं उसके ऊपर कि ये सब बाबा जी के आदमी। अरे गधो, ये कोई अमेरिका लंदन पेरिस वहां से यहाँ के बैठा, मेरे आदमी कैसे हो सकते हैं? यही मेरे नहीं समझ में आता है। क्या बोले वो कहाँ से बैठ बैठ। अरे मैडम जी इधर आओ। मैडम जी कहाँ से आप आए हो? किधर से आई हो आप? लखनऊ से। अच्छा, कितना पढ़ी लिखी है आप? ये कितना होता है, 12, 13, 12? एमए क्या होता है? 15 ना। हिंदी में लिखती है कि इंग्लिश में? आप मतलब नाम कैसे लिखती है? इंग्लिश में। हिंदी में लिख के बताओ। हाँ, आत्मा नाम लिखो। और किसका नाम लिखोगे? आत्मा नाम लिखो भाई। राइटिंग हमें मैच कराना है। हम अनपढ़ जरूर है मगर दिमाग है थोड़ा। मैचिंग होना चाहिए। मैचिंग होना चाहिए तो वही राइटिंग है या क्या है? अभी सामने आएगा खाना। ये आपका नाम है? चल कॉलेज का। अब देखो आप लोग खुली, ये है वो और ये है भूतो वाली साइन। भगवान दास। ये है भूतो की साइन और ये है रियल लाइफ में जो इस समय महिला है बैठी, ये उनकी दस्तखत है। अभी आप ही लोग तय करो कि ये ऐसा है फर्जी है या सही है। तो मैडम जी आपके भूतों की साइन देख लीजिए आप भी जरा सा। ये आपने लिखा है? ये आपकी राइटिंग है क्या? आपकी नहीं है? क्या बात कर रही है? मेरा कैमरा, सब दुनिया का कैमरा देख रहा, आपने लिखा है? ये है आपकी। सही बात है, वो भूतों की है, ये आपके है। आप दोनों राइटिंग ले जा सकती है, ये फ्री है आपके लिए। ये लो। अब आज से के बाद आपका भूत अब यहाँ दोबारा नहीं लिख सकता। सुनो वो पूछ लो मम्मी, दोबारा फिर क्यों मम्मी? सुनो
राजघाट पुल है ये, बनारस में ये पड़ता है। ये नीचे उतरते ये जिला चंदौली में आ जाएगा, राजघाट बनारस में है, नीचे उतरते साथ ये पड़ाव आ जाएगा। पड़ाव चौराहे से दाहिने साइड रामनगर वाली रोड पे आपको जाना है। लगभग यहाँ से साहूपुरी 3 किलोमीटर दूर है, ये सीधी रोड जा रही है। हेलो हेलो बाबा जी, राम राम। बोलिए। मैं, हमारे घर में जरा दिक्कत सी हो रही है, वही परेशानी सब बहुत हो रही है। कहाँ से बोल रही है? मैं नजफगढ़ से बोल रही हूँ। मैं नजफगढ़ से, आपको जहाँ का एड्रेस है वहाँ आना पड़ेगा। फोन पे बात करने से आपकी परेशानी नहीं दूर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं, यहीं आने से होगी? क्या बेवकूफी वाली बात करती हूँ, यही बात अभी हमने बोला है ना, जब यहाँ होगी तभी ये परेशानी आपकी दूर होगी। और ये हमने यूट्यूब में देखा था, वो क्या कहते हैं, फोन से भी हो रहा था। कौन बोला है फोन से हो रहा है? गधा है वो, फोन से क्या होता है? हाँ। कौन बोला है आपसे फोन से होता है? यूट्यूब में देखा था, नेट में। फोन से होता है? आप फोन से बात करके हो रहा है करके? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, फोन से बात करने से कुछ नहीं होता है। रखो फोन। ठीक है। हेलो हेलो, नमस्कार, बाबा जी बोल रहे हैं? बोल रहे हैं जी। नमस्कार, मेरा नाम राम है। हुँ? और मैं फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ। मैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाता हूँ। मेरा अगला सब्जेक्ट है जो वो स्प्रिट के बारे में है, तो मैं आपका यूट्यूब पर देख रहा था कुछ वीडियोस। मैं जानना चाहता था क्या ये पॉसिबल है कि मैं आपसे मिल सकूँ? क्यों, कोई भी मिल सकता है हमसे। अच्छा अच्छा, तो क्या ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं कुछ शूट कर सकूँ? एकदम शूट कर सकते हैं। अच्छा, आप कहाँ से हैं बाबा जी? कुछ पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं आप? मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो नेट पे लिखा हुआ है पूरा एड्रेस, किस दिन बैठते हैं, सारी जानकारी लिखी हुई है उस पे। अच्छा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर हूँ और यूट्यूब पर नहीं लिखा है। हर वीडियो के आखिरी में आएगा, आप देखिए, वीडियो कोई भी खत्म होगा उसके बाद आएगा। अच्छा, आखिरी में आएगा। हाँ। ठीक है, मैंने पूरा देखा नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं फ्रेंच मीडिया के लिए काम करता हूँ। ठीक है, तो अगर तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ पहले। तो ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, आपका एड्रेस देखता हूँ और फिर मैं आपसे मिलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको अगर मैं शूट करता हूँ तो कुछ फिल्म? अरे भैया, हमने कहा ना कि कोई भी पूरी दुनिया का मीडिया आके शूट करे और दिखाए सच्चाई यहाँ की, हमारे यहाँ की सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाए, पूरी दुनिया का भला हो, हम ये चाहते हैं। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच बाबा जी। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ।